नमस्कार दोस्तों, अपना प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस बार के अंक पर। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी, बचने के लिए लोग कर रहे हैं कई उपाय। खेलों से अपने जिले का नाम रोशन कर रही हैं सोनभद्र की बेटियां। रखरखाव के अभाव में जमींदोज हो रहे हैं जनपद लखनऊ के कई ऐतिहासिक स्थल। आमों की नई प्रजातियों को उत्पादित कर रहे हैं पद्मश्री कलीमुल्ला खान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन की सख्ती, लगाया जा रहा है जुर्माना। गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए आगे आए कई लोग, प्यासे राहगीरों को पिला रहे हैं पानी। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए किया जा रहा है प्रयास। प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को आधार से किया जा रहा है लिंक, मिलेगी कई सुविधाएं। जून के महीने में आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और लोग इस गर्मी से बचने के तमाम उपाय कर रहे हैं। कोई शीतल पेय से अपना गला तर करना चाहता है तो कोई ठंडी चीज़ें खाकर तरावट लाना चाहता है। आइए देखते हैं हमीरपुर से रविंद्र सिंह की यह रिपोर्ट। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पिछले कई दिनों से पारा 46 डिग्री पर अटका हुआ है। आसमान से आग बरस रही है, लोग घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों पर हर तरफ सन्नाटा नजर आता है। कुल मिलाकर मई में जिस्म जल रहा है। आग उगलते हुए सूरज की चिलचिलाती धूप में भीषण गर्मी से लोग बिलबिला रहे हैं। तपिश से राहत पाने के लिए गर्मी से बेहाल युवा, कोई अपने सर पर बोतल से पानी उड़ेल रहा है तो कोई हैंडपंप से अपना सर गीला कर रहा है। यहाँ तक कि बेहाल लोग नल के गर्म पानी से ही अपना मुंह धोने को मजबूर हैं। गर्मी से परेशान लोगों का कहना है कि ऐसी गर्मी पिछले 60 सालों में कभी नहीं पड़ी है। पुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कम से कम 47 डिग्री के पार पारा होगा। जान निकली जा रही है और हवा बिल्कुल बंद है, धूप बहुत तेज है। हमीरपुर जिले में मई की गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। इंसान से ज़्यादा जानवर पशु पंछी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा खराब हालत तो यात्रियों की है। यात्री बसों के अंदर बिलबिला रहे हैं, उनके पूरे शरीर पसीने से तरबतर हैं, पर मजबूरी में उन्हें यात्रा करनी पड़ रही है। गर्मी का भाई साहब वो हाल है कि कहते नहीं बनता। गर्मी के मारे बीमारी अलग से बढ़ रही हैं, पानी पीने के लिए मिल रहा है, जानवर और मनुष्य सब बेहाल हैं, फसल भी बेहाल है। बुंदेलखंड में इतना भीषण गर्मी पड़ रहा है कि अब 46 से ऊपर होने जा रहा है। भयानक गर्मी से सड़कों में सन्नाटा पसरा है। मजबूरी में घरों से निकले लोग अपना मुंह और सिर ढक कर चिलचिलाती धूप में निकले हैं। यहाँ सिर और मुंह ढके स्त्री पुरुषों के झुंड देखे जा सकते हैं। पुलिस वाले भी वर्दी के साथ कपड़े से अपना मुंह और सिर ढक कर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। साल शायद सबसे ज्यादा पड़ रही है, मई महीने में भी 46 डिग्री से ऊपर तापमान हो रहा है, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि मतलब अभी तक मई में ऐसा तापमान ही नहीं आया जितना अभी 46 अभी हो गया, जून में क्या हालात होंगे। बुंदेलखंड के सभी सातों जिलों बादा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर के अलावा हमीरपुर जिले में भी पारा 46 डिग्री पर टिका हुआ है और पूरा बुंदेलखंड आग के गोले की तरह दहक रहा है। मई की इस गर्मी ने यहाँ के लोगों को झुलसा कर रख दिया है। बेहाल लोगों को अब बारिश का ही सहारा है। बुंदेलखंड में आग बरस रही है, जीना मुश्किल है। पल पल पानी पी रहे हैं यहाँ पर लोग। साफ़ी बांध करके चल रहे हैं, गीली साफ़ी भी रखना पड़ती है। गर्मी का ये आलम है कि ना घर में चैन पड़ रही है ना बाहर चैन पड़ रही है, और गर्मी बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। बुंदेलखंड में पड़ रही इस भयानक गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। कोई लस्सी पी रहा है तो कोई पानी का पाउच पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है, पर गर्मी से राहत मिलती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड में लंबे वक्त के बाद मई के महीने ने लोगों को जला कर रख दिया है। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में उमस भरी गर्मी ने एसी और कूलर को बेअसर कर दिया है। इस गर्मी से लोगों को न दिन में चैन है और न ही रातों को सुकून है। सोनभद्र की होनहार बेटियां खेलों में उम्दा प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर रही हैं। कोई तीरंदाजी में अपना हुनर दिखा रहा है तो कोई पावर लिफ्टिंग में अपना लोहा मनवा रहा है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह सभी ग्रामीण परिवेश में पल बढ़ रही हैं। आइए देखते हैं सोनभद्र से अनूप श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। सोनभद्र के रावर्सगंज ब्लॉक के एक पिछड़े से गाँव से निकलकर माया मौर्या नाम के एक लड़की ने पूरे जिले का नाम खेल के माध्यम से रोशन किया है। माया बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं और रोजाना अपने गांव से 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रैक्टिस के लिए जिला मुख्यालय तक जाती हैं। माया का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ, और बल्कि घर से भी सपोर्ट मिलता है जाने के लिए। मम्मी पापा क्या कहते हैं?
मेरे मम्मी पापा कहते हैं तुम जाओ खेलो लेकिन अच्छे से, हाँ आगे बढ़ो, हाँ सपोर्ट करते हैं लोग। माया के पिता का कहना है कि माया अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उन्हें अच्छा लग रहा है, वह गांव के लोगों की बातों की परवाह नहीं करते, इसको आगे भी खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। हमको सर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खेलेगी तब बहुत आगे बढ़ेगी और अच्छा खेलने। माया के स्थानीय प्रशिक्षक का कहना है कि माया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। गत दिनों जमशेदपुर में हुई प्रतियोगिता में उसने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगर माया लगातार प्रैक्टिस करती रही तो कुछ न कुछ जरूर देश के लिए अच्छा करेंगे। अचीवमेंट इसका बढ़िया रहा है, अगर ये इसी तरह प्रैक्टिस करती रही तो अपने इंडिया में नहीं विदेशों में भी जाके बढ़िया करेगी जो है। जनपद लखनऊ में कुछ ऐतिहासिक इमारतें रखरखाव के अभाव में खंडहर बनती जा रही हैं। ऐसा ही एक स्थल है बारह खंबा, जो आज जमींदोज होने के कगार पर है। पेश है यह रिपोर्ट। लखनऊ के आंचल में बसे मलिहाबाद की ऐतिहासिक इमारतें रखरखाव के अभाव में खंडहर हो गई हैं। इन्हीं इमारतों में उमराव जान और गदर जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, मगर अब ये अपना अस्तित्व भी खो रही हैं। कहा जाता है कि बारखंबा से निकलते हुए मोहम्मद टोला मार्ग पर कभी शाही मार्ग हुआ करता था, जहां प्रसव के दौरान एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। इस जगह पर दोनों की कब्र बना दी गई थी। इसी जगह बाद में मकबरा बनवा दिया गया था। यहां के पत्थरों पर लिखी हुई लिपि को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अब यह इमारत पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जबकि किसी समय बारखंबा और बाउली यहाँ की शान हुआ करती थी। यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी होती थी, परंतु अब हर तरफ सन्नाटा नजर आता है और कोई भी यहाँ आना पसंद भी नहीं करता। बारह खंबा गुंबद मरम्मत न होने के कारण गिरने के कगार पर है। उसी के पास एक मकबरा बना हुआ है जिसका गेट किसी भी समय गिर सकता है। मुगलों के दौर में बनी इन इमारतों का इतिहास अब खत्म होने के कगार पर है। अब सब इमारतें खंडहर हो गई हैं, इस वजह से इन्होंने अपनी पहचान भी खो दी है। बारह खंबा के पास एक बावली है। मुगलों के दौर में इसमें महारानियां नहाती थी। उनके लिए इस कुएं की सीढ़ियों में विशेष प्रकार की सीढ़ियां लगाई गई थी। इसकी मरम्मत न होने के कारण अब ये जर्जर हो चुकी हैं। उसी के पास एक कुआं भी है जिसे मशहूर सरैया पहलवान के नाम से जाना जाता है, लेकिन रखरखाव न होने के कारण यह बारखंबा अब पूरी तरह से जमींदोज हो जाने के कगार पर खड़ा हो चुका है। दोस्तों अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज BTC, BEd, BPed, BSc, BCom, BA में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का बुंदेलखंड का सर्वोत्तम संस्थान। विशाल का क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेलकूद और कंपटीशन क्लासेस समेत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास पर जोर। आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज नवीन गल्ला मंडी के पास झांसी रोड महर्रा ललितपुर उत्तर प्रदेश। बात समसामयिक विषयों की, बात योजनाओं के लाभ की, बात तरक्की की, बात अपना प्रदेश की। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की ओर। जनपद लखनऊ के मलिहाबाद कस्बे के कलीमुल्ला खां को कौन नहीं जानता। पद्मश्री से नवाजे जा चुके कलीमुल्ला खां की नर्सरी में आज 387 से अधिक आम की प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, उनकी नर्सरी में स्थित एक आम के पौधे पर 300 से अधिक प्रकार के आमों की पैदावार होती है। आइए देखते हैं बसंत जोशी की यह रिपोर्ट। यह है मलिहाबाद स्थित पद्मश्री कलीमुल्ला खां की नर्सरी, जिसमें 300 किस्म से भी अधिक आम की प्रजातियां उगाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मालवा, सुरखा, बर्मा, मोहनभोग, लखनऊ सफेदा, सफेदा जोगरी, गुलाब खास, मल्टा, फजरी, जरदालू तथा नमो आदि प्रजातियां मुख्य तौर पर हैं। कलीमुल्ला खां की नर्सरी को देखने के लिए दुनिया भर से आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। पद्मश्री कलीमुल्ला नर्सरी की सबसे खास बात यह है कि इनमें एक ही पेड़ में 300 से अधिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के आम उगाए गए हैं। यही नहीं, इस बार यहाँ आम की एक नई किस्म भी ईजाद की जा रही है। यह आम पतला होगा, रसदार होगा और इसकी गुठली भी पतली होगी और जल्द ही पचाने वाला भी होगा। फिलहाल इसका नाम नहीं रखा गया है। मेरे पास तो लगभग 50-55 वैरायटी है, जैसे आप दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, फजरी है, राजा वाला है, टॉमी एटकिन है, सेंसेशन है, प्रिंस है, काला पहाड़ है, इसी तरह बहुत सी वैरायटी। तो इनमें सबसे स्वादिष्ट कौन सी नस्ल मानी जाती है? आम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब ये तो अपनी अपनी पसंद है, कौन से किसे पसंद करे। तो ये तो जैसे मान ली हमें चौसा पसंद है या गिलास पसंद है, उसी तरह से जो दूसरे आते हैं उन्हें किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को हल्का मीठा पसंद होता है, तो वो तो अपनी अपनी पसंद है। आम में ये नहीं बता सकती हूँ, आम 1919 में 1300 वैरायटी थी, अब ज़्यादा
पाँच ही 600 वैरायटी बची हैं। आपको बताते चलें कि सन 1919 में मलिहाबाद में आम के 1300 बाग थे, जो घटकर अब केवल 700 के करीब ही रह गए हैं। पद्मश्री कलीमुल्ला ने बताया कि एक ही आम के पेड़ पर विभिन्न किस्मों के आम लगाना वर्ष 1987 में शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से आम की फसल लगातार कम होती जा रही है। इन 300 आमों में से 4 किस्म के आम गुजरात से भी लाकर रोपित किए गए हैं। कलीमुल्ला खान आम के पेड़ को कुदरत द्वारा विश्व समुदाय के लिए भेजे गए आपसी सौहार्द बनाए रखने के संदेश के तौर पर भी देखते हैं। उनका मानना है कि जब एक ही पेड़ पर 300 से अधिक प्रजातियां एक ही साथ शांतिपूर्वक फल फूल सकती हैं, तो विश्व में भी ऐसा हो सकता है। आम ये एक ऐसा फल है दुनिया में जो इंसान की सिफत रखता है। दुनिया में इंसान की सिफत चरिन परिन दरिन किसी में नहीं, 100% इंसानों की सिफत आम में है और 100% इंसान की सिफत इंसानों की सिफत आम में, आम की सिफत इंसान में। यानी एक मिसाल दे दें जिसमें दुनिया वाले इस बात को सुने और आप भी सुने तो आप माने कि हाँ ये सही है। दो से मिलकर एक इंसान नया बन जाता है। आज इतनी बड़ी दुनिया में हम आप जितने भी हैं दो से मिलकर एक अलग इंसान बने। दुनिया में दो इंसान एक समय। इसी तरह से कुदरत ने इस फल को ये सिफत दे रखी है कि ये एक ही पेड़ पर 500 आम लगे हों, वो आम एक ही किस्म के हैं, यानी दशहरी, चौंसा, लंगड़ा, जो भी आप मान लें वो आम है। और उसके अंदर जो बच्चे हैं, जो बच्चे 500 हैं, 500 अलग हैं, यानी ये इंसान की सिफत हो गई। केंद्र से पद्मश्री और उत्तर प्रदेश सरकार से उद्यान पंडित का खिताब पा चुके कलीमुल्ला इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो आम उगा चुके हैं। उनका कहना है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी दुनिया में भाईचारे की मिठास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह नमो आम भी जायके की दुनिया में सबका प्यारा बन सकता है। वो हमारे बचपन में खोज थी मिजाज में कि ये ऐसा है तो ऐसा हो, ऐसा है तो ऐसा हो, ये हमारे बचपन में था जो आज भी है। तो उसी खोज का ही नतीजा है कि हम कुछ न कुछ ढूंढा करते हैं, ढूंढते क्या है, मिलता क्या है, ये। लेकिन हमें ऊपर वाले से हमारी ललक है कि इस काम को मालिक हमारे हाथ से करा ले। लेकिन हमने बहुत बहुत लोगों से, बहुत से लोग हमसे मिलने आते हैं, बहुत मतलब आपके शहरों से, ज़िलों से, सूबों से, बाहर सूबों तक से आए, तो उनको यही बताते हैं कि भाई दशहरी में ये करो कि शायद दिल चाहता हमसे हो लेकिन अपने वहाँ बुढ़ापा हमसे न हो तो किसी से हो जाए। ये इसका मजा हमारे मुल्क और दिल ये चाहता हसीन भाई भारत के सर पे ताज हो और रोशनी इसकी पूरी दुनिया में जाए। ऐसे मालिक काम हमसे भी कराए, हमसे तो उसने खैर शुक्र कराए, और हमारे जो मुल्क में बच्चे हैं तो सब हमारे, हम सबके हैं, तो किसी के हाथ से भी खुशी हमें। उल्लेखनीय है कि मैंगो मैन कलीमुल्ला खां को 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कलीमुल्ला खां का कहना है कि दिन प्रतिदिन पानी की कमी जमीन के अंदर से होती जा रही है, लेकिन ऊसर भूमि में ही आम के वृक्ष लगाकर आम की फसल की जा सकती है तथा क्षेत्र में हरियाली उत्पन्न की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर सख्ती का आदेश दिया गया है, लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा भी ऐसी इकाइयों पर सख्ती की जा रही है। प्रशासन द्वारा NGT के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया जा रहा है और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पेश है नोएडा से यह रिपोर्ट। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में NGT के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में NGT के नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा द्वारा 4 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए गए हैं और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है, अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्माने की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट नोएडा द्वारा 2 संस्थानों को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को NGT के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि गर्मियों में प्यासे को पानी पिलाने से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है। आज भी समाज में कुछ लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो तन, मन और धन से इस पुण्य कार्य में लगी हुई हैं। ऐसी ही शख्सियत हैं ललितपुर के BK अग्रवाल और नरेंद्र कड़ंकी,
जो समाज के कल्याण के लिए अलग ही मुहिम चला रखे हैं। आइए देखते हैं जनपद ललितपुर से अभिषेक शुक्ला के साथ अमिताभ खरे की यह रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति में किसी प्यासे राहगीर को पानी पिलाने के महत्व को सर्वोच्च धार्मिक कार्य बताया गया है। परिणाम स्वरूप यहाँ प्राचीन काल से ही सड़कों के किनारे राहगीरों को पीने के लिए पानी का इंतजाम किया जाता रहा है। समय के साथ साथ लोगों के व्यवहार में परिवर्तन तो आया, परंतु आज भी कई लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को पानी पिलाना एक बहुत बड़ा सामाजिक और पुण्य का कार्य समझती हैं। हम लोगों ने यह सन 2011 से शुरू की थी और शुरुआत हम लोगों ने अग्रवाल समाज के महिलाओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, जिसमें अग्रवाल बी के अग्रवाल जी ने हम लोगों का पूरा सहयोग किया और उसके बाद से हम लोगों का यह कार्य जो ट्रॉलियों का है यह निरंतर चल रहा है और इसमें हमारे अग्रवाल समाज के काफ़ी गणमान्य सदस्य हमारे जो समाज के वो हम लोगों का इसमें हर ट्रॉली के लिए एक सदस्य है और हम लोग सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर अग्रवाल समाज द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो राहगीरों को इस गर्मी से राहत दिलाने के लिए पानी पिलाने का पुण्य कार्य कर रहे हैं। आज जबकि बाजार में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बोतलों में बंद पानी बिक रहा है, ऐसे में गरीब प्यासे लोगों की प्यास बुझाकर कुछ लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। ललितपुर के समाजसेवी वी के अग्रवाल ने स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर पानी भरती हुई एक महिला को देखा, जो ट्रेन चल जाने के कारण ठीक से नहीं चढ़ सकी और फिसल जाने के कारण बुरी तरह से जख्मी हो गई। इस घटना ने अग्रवाल के मन को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराने की ठान ली। आज वह एक संस्था के माध्यम से ट्रेन के यात्रियों को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक पानी पिलाने का कार्य कर रहे हैं। करीब 2008-09 की बात है, एक लेडीज पानी पीने के लिए उतरी थी और वो चढ़ते हुए फिसल के गिर गई थी और उसका एक्सीडेंट होने पर उसकी डेथ हुई। तब से मुझे लगता था कि मैं कैसे भी लोगों को ट्रॉली ऐसी कोई पानी की व्यवस्था करूं जिससे लोगों को ट्रेन में पानी की व्यवस्था हो सके। उसको सोचते हुए मैंने 2-3 साल मेरी नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने 2011 से इसको कंटिन्यूस मेरी 10 ट्रॉलियाँ चल रही हैं पानी की। ये देखिए जिन पर छाया भी रहती है, हर प्लेटफार्म पर 3 ट्रॉली, 3 प्लेटफार्म 3 ट्रॉली, 1 नंबर पर 4 ट्रॉलियाँ हैं, जिनसे लोग हमारे कर्मचारी हैं जो सबको पानी पिलाते। ट्रेन आने पर जल्दी से सभी ट्रॉलियाँ लगा के यात्रियों को पानी पिलाया जाता है। कुछ ऐसा ही वाक्य घटित हुआ ललितपुर के नरेंद्र कणंकी के साथ, जिसके बाद उन्होंने टैंकर के माध्यम से जनपद की एक बड़ी आबादी को पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठा ली। ललितपुर जनपद के ही रेलवे स्टेशन से सटे नेहरू नगर के महिलाओं और छोटी बच्चियों को जब नरेंद्र ने रेलवे स्टेशन से पानी भरकर ले जाते हुए देखा तो उनका मन कचोट गया। इस बाबत जब उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि अक्सर रेलवे प्रशासन और नेहरू नगर के वाशिंदों के बीच स्टेशन से पानी भरने को लेकर नोकझोंक तो होती ही है, साथ ही कई बार बात बढ़ जाने पर मामला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने तक पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, नरेंद्र ने नेहरू नगर के वाशिंदों को पानी उपलब्ध कराने का बीड़ा उठा लिया और आज वह पानी के 3 टैंकरों से 18 चक्करों के द्वारा लगभग 5,000 की आबादी को पानी मुहैया करा रहे हैं। नरेंद्र बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने 1 टैंकर से अपने संसाधनों से यह काम शुरू किया, परंतु संतुष्टि नहीं मिली, फिर परिवार का सहयोग लिया और आज वह 3 टैंकर चला रहे हैं। गर्मियों की दस्तक देते ही मार्च अप्रैल से प्रतिवर्ष शुरू होने वाला है पुण्य कार्य, वह विगत 4 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। आज से 4 वर्ष पूर्व जब सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि रात को 11:30 बजे नेहरू नगर क्षेत्र की महिला और बच्चे रेलवे स्टेशन पर पानी के लिए लगातार संघर्ष करते थे और पुलिस वालों के भगाने के बावजूद दौड़ दौड़ के दुख दुख के वहाँ पानी भरते थे। तब जाके मुझे इस क्षेत्र में जानकारी हुई कि लगभग यहाँ की 15,000 की आबादी में प्रति वर्ष गर्मी के मौसम में लोग एक एक बूंद के लिए मोहताज रहते हैं और बच्चे पढ़ाई छोड़ के, महिलाएँ घर का काम छोड़ के, पुरुष अपना व्यापार और मजदूरी छोड़ के मात्र यहाँ पानी भरने के लिए संघर्ष करते हैं। तब मेरे और मेरे परिवार के मन में एक टैंकर चलाने की बात यहाँ आई, लेकिन एक टैंकर यहाँ नाकाफ़ी है इतनी बड़ी जनता के लिए। फिर हमने यहाँ 4 टैंकरों की 3 टैंकरों के माध्यम से प्रयास किया कि नेहरू नगर की जनता की प्यास बुझ सके। यदि बीके अग्रवाल और नरेंद्र कणंकी की ही तरह सभी लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज के लिए कुछ सकारात्मक करें तो निश्चय ही इससे दूर दराज की यात्रा कर रहे राहगीरों को
इस भीषण गर्मी में राहत तो मिलेगी, साथ ही इससे समाज में भी एक सुखद संदेश जाएगा। नरेंद्र करणकी जी भाई साहब हैं, उनका नेहरूनगर की तरफ से बहुत बड़ा आभार है, बहुत बहुत आभार है, जिनकी वजह से नेहरूनगर काफ़ी समस्या दूर हुई है पानी की। हेडपम्प भी बिल्कुल सूखे डाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत परेशान हैं हम लोग। और यहाँ जो टैंकर आ रहे हैं वो करणकी जी के आते हैं, उनकी बहुत सुविधा हो रही है हमारे लिए। प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, पिछड़ों और निराश्रितों के उत्थान के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इसका असर भी अब साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है यह रिपोर्ट। प्रदेश सरकार गरीबों, निराश्रितों तथा मजलूमों के उत्थान के लिए नियमित रूप से प्रयास कर रही है, जिसका असर प्रदेश में साफ नजर भी आने लगा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में प्रदेश सरकार के द्वारा पात्र लाभार्थियों के लिए संचालित की जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में ग्राम मोरना विकासखंड विशरक में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। शिविर में ग्रामवासियों को ऑनलाइन पेंशन आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन करने हेतु आवश्यक अभिलेखों के बारे में जानकारी दी गई। इस शिविर में निराश्रित महिला पेंशन के 7, वृद्धावस्था पेंशन के 5 एवं दिव्यांग पेंशन के 1 आवेदन पत्र के ऑनलाइन करने हेतु प्राप्त हुए, जिन्हें ऑनलाइन कराकर पेंशन स्वीकृत प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रशासन द्वारा समस्त पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इस संबंध में एक वीडियो के जरिए पात्र लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का संदेश भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक ओर राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राशन दुकानदारों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पेश है यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत समस्त राशन कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बी एन सिंह के निर्देश पर जनपद का आपूर्ति विभाग निरंतर रूप से प्रयास कर रहा है और समस्त राशन कार्ड धारकों को जागरूक करते हुए उन्हें राशन उपलब्ध कराने की कार्यवाही कर रहा है। वहीं दूसरी ओर समस्त राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से जोड़ने की कार्यवाही पूर्ण करने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह के द्वारा नोएडा नगर क्षेत्र की झुग्गी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया है। इस संबंध में एक वीडियो डीएम वार रूम के माध्यम से आम नागरिकों तक भेजी जा रही है, जिसका अवलोकन करते हुए सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9919999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है apnapradeshtv@gmail.com। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।